स्टूडेंट मैं इसके स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट ये आपका टेंथ क्लास का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने दो वीडियो में 25-25 करके 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। आज ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का यह तीसरा वीडियो होगा। यदि आपने इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और चैप्टर वाइज भी कुछ वीडियो डाला गया है उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो आज है क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न। कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60+1 कितना होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60+1। तो एक फार्मूला होता है आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। अब ये थीटा के जगह पर कुछ भी रहे इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसी हिसाब से सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये फिर हो जाएगा +1 इधर है ये, तो क्या हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे जो 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 51 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52। अरे कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो टैन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा टैन ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमने बहुत सारा फार्मूला बताते गए हैं इससे पिछले वीडियो में, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जितना भी वीडियो आपका सीरीज आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि 50-50% है। आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। यदि 50 में आप 50 सही कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसे आप जो है ज़रूर अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो जो है आपको समय से मिलते रहें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कहता है 210 यहाँ पर 30 डिग्री होगा। 210 यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट है, तो इसको देख लेते हैं। 210 30 डिग्री बटा में 1+10² 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हम निकाल लेंगे, हालांकि ऐसे टेन टू ए का एक फार्मूला होता है, टेन टू ए बराबर टू टेन ए बटा में 1-10² ए होता है, और यहाँ पर प्लस है इसलिए हम इसको पहले फार्मूला लगा करके और तब बनाएंगे, ठीक ना। तो अब बनाते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं इसका। तो 210 30, 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 का वैल्यू आप जानते हैं जो कितना होता है, तो 10 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3 बटा में 1+10² 30 डिग्री, और 10² 30 डिग्री तो 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2/√3, और ये आपका हो जाएगा इसका भिन्न के जोड़ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। अब इस तरह से 2/√3 और गुना में ये 4/3 है, सो हो जाएगा 3/4, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और ये √3 से जो है 3√3 से कर जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू √3/2 नहीं होता, इसका 1/2 होता है। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। तो ये 54 प्रश्न में है कि यदि एक मीनार यदि एक मी 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो एक खंभा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, और ये धरती पर इसकी छाया की लंबाई है वह कितना है, 2√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा सूर्य का। तो यहाँ पर क्या डिग्री का एंगल बनेगा ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर जो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये देख लीजिए, अगर हम इस एंगल से देखेंगे ये तो समकोण हो गया, तो इस हिसाब से ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटा में आधार क्या होता है टैन थीटा। तो आप यह कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब कितना है 6, अब बटा में आधार कितना है 2√3।
दो से थ्री जमे कट जाएगा और रूट थ्री से ये थ्री फिर रूट थ्री से कट जाएगा तो हो गया टैन थीटा बराबर रूट थ्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन कितना का वैल्यू रूट थ्री होता है, टैन साठ का वैल्यू रूट थ्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा 54 का। हालांकि इससे पहले जो हम त्रिकोणमिति का जब चैप्टर वाइज बता रहे थे उसमें हमने एक तरीका भी बताया था कि यदि इस तरह से है और ये अगर 90 डिग्री हो गया तो एगो कोई आपका 30 होगा और एक आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला यदि एक है मान लिया जाए तो 60 के सामने वाला रूट तीन गुना होगा, कितना हो जाएगा रूट तीन गुना। तो यहाँ देखिए ये रूट दो रूट तीन है और दो रूट तीन का रूट तीन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसके सामने वाला क्या डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आप समझ गए होंगे। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप त्रिकोणमिति जो चैप्टर वाइज चला है क्वेश्चन उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में कहता है यदि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का अनुकोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। अब वही कौन एंगल, ये तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये आपको दे दिया गया 60 डिग्री और कहा जा रहा है कि ऊंचाई कितनी है 15 और आपसे छाया की लंबाई पूछ लिया गया है। तो छाया की लंबाई क्या होगा, तो इसमें भी आप उसी तरह से बना सकते हैं टैन 60 का प्रयोग करके, या फिर हम आपको बताए हुए हैं कि अगर ये हो गया 30 डिग्री के सामने यदि एक होगा तो 60 डिग्री के सामने वाला रूट तीन गुना होता है, या फिर कहें कि 60 डिग्री के जो सामने है उसमें रूट तीन से भाग दे दीजिएगा तो इधर वाला आ जाएगा। तो यदि हम 15 में रूट तीन से भाग दे देते हैं तो 15 को अगर हर का परिमेयकरण करते तो ऊपर रूट थ्री और नीचे भी रूट थ्री, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा क्या 15 रूट थ्री बटा में क्या है रूट थ्री रूट थ्री, तो थ्री से फाइव से कट जाएगा, ये 5√3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 55 का ऑप्शन नंबर सी। ये आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए ये है इस तरह से, ये आपका हो गया क्या डिग्री 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक ना। अगर ये 60 है तो ये 30 ही होगा क्योंकि ये 90 होता है। तो 60 के यदि देखिए 30 के सामने वाला कोई दे दिया है और 60 के सामने वाला निकालना है तो रूट तीन से गुना कर दीजिए, लेकिन 60 के सामने ही दे दिया रूट तीन के सामने वाला था रूट तीन से भाग दे दीजिए। तो 60 के सामने वाला आपको 15 दिया है ये पूछ रहा था, इसलिए 15 में रूट तीन से भाग दिया गया। तो 15 में रूट तीन से भाग दीजिएगा तो 5√3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। या फिर आप टैन थीटा का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो जब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 कहता है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। जैसे ये निर्देशांक अक्ष है, ये है आपका वाई अक्ष और ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु, तो ये आपका क्या हो जाएगा मूल बिंदु ऑप्शन नंबर सी। 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में कहता है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है। तो ये किस पाद में स्थित है, देखिए ये आपका हो गया 4/4 हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड, ये आपका हो गया थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ। तो इसमें देखिए ये मूल बिंदु से इधर की ओर जाते हैं तो वैल्यू प्लस में, ऊपर भी जाने पर वैल्यू प्लस में, इधर माइनस में होता है और इधर भी माइनस में होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों ही वैल्यू जो होंगे एक्स और वाई दोनों प्लस में हो जाएंगे। सेकेंड चतुर्थांश में देखिए एक्स कौन चीज़ में होगा माइनस में, लेकिन वाई की वैल्यू प्लस में होगा। थर्ड चतुर्थांश में एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी माइनस में होगा। फोर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस में होगा वाई माइनस में होगा। तब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ दोनों ही माइनस में है, -6, -8 जब दोनों माइनस में हो तो किस चतुर्थांश में होगा थर्ड चतुर्थांश में होगा। तो तृतीय पाद इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो हिसाब से समझ गए होंगे, यदि दोनों प्लस रहेगा तब फर्स्ट में हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस तो सेकेंड हो जाएगा और एक्स प्लस वाई माइनस तो ये फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु पी जिसका वैल्यू है sin θ, cos θ की दूरी क्या होगी। तो एक दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र आप जानते होंगे, यह होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के
होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र हो जाता है। अब यहाँ से आपको बताना है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है, 0.0। ये भी कभी भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.0 से आपको इसका दूरी निकालना है। तो दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, यदि हम एक्स टू मानते हैं साइन थीटा तो एक्स वन हो जाएगा 0, तो साइन थीटा में से 0 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर। अब आपको देखना है वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर। तो वाई टू हो जाएगा कॉस थीटा और फिर वाई वन हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है 1, तो रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या, रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ये कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन आंसर आपका 1 इकाई। तो इस तरह से 58 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 59। ये आपका 59 में कह रहा है कि आर और एस दो बिंदु दिया गया है 1.1 और एस है -1.5 के बीच की दूरी निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो रूट अंडर एक्स टू कितना है -1 है, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 5, वाई वन कितना है 1, तो 5-1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से -1 और -1 क्या -2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 5-1, तो 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो ये 5-1 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हम 16 लिख देते डायरेक्ट, तो आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 4 20। 20 को यदि आप बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा आपका दो रूट पाँच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि वाई बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू दिया गया है, तो वाई का वैल्यू जब दिया गया है इसका मतलब कि वह कहाँ से गुजरेगा, तो वाई बराबर 8 है। तो देख लीजिए मान लीजिए 1 2 3 4 करके इस तरह करके मान लीजिए यहाँ पर वाई बराबर 8 पॉइंट है, तो वहीं से इसका पॉइंट जो भी गुजरेगा जिसका वैल्यू वाई की वैल्यू 8 होगा। तो इसमें देखिए एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितना 8, इसका मतलब यह वाई बराबर 8 से होगा गुजरेगा। ये 4.8 है तो इसमें भी वाई की वैल्यू देखिए कितना है 8, तो ये गुजरेगा। 0.8 है तो ये भी गुजरेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब ये जो है नहीं गुजरेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन नहीं गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वाई बराबर 8 से नहीं गुजरेगा। तो वाई का वैल्यू दिया गया है तो हम देख लेंगे कि वाई का वैल्यू जो है कहाँ पर 8 नहीं है, जहाँ पर है वाई का वैल्यू 8 गुजरेगा, जो नहीं है वो नहीं गुजरेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए हमने ऐसा आपको बता दिया था पहले ही कि कौन प्रथम में चतुर्थांश में होगा, कौन सेकेंड में होगा, कौन थर्ड में होगा और कौन फोर्थ में होगा। तो ये हम बता दिए हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। तो 61 का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में कहता है कि बिंदु 5.6 वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। देखिए वाई अक्ष से दूरी तो वाई अक्ष से जो दूरी होता है वह होता है एक्स निर्देशांक। क्या होता है एक्स निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक की वाई अक्ष से दूरी कहलाता है। तो इसमें देख लीजिए एक्स का निर्देशांक कितना है 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, और यही कहेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है
एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वह एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कहलाता है कोटि। तो इस तरह से आपका जो वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगा वह एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगा। इसे देखिए ये हो गया, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी आप किधर जाइएगा, या तो इधर जाइएगा या इधर जाइएगा। तो इधर भी जाइएगा तो एक्स का वैल्यू, या इधर भी जाइएगा तो एक्स का वैल्यू। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में कहता है कि बिंदु M जो कि -2.10 है और N -8.14 है को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, मध्य बिंदु का x1 + x2 / 2 / y1 + y2 / 2। इस तरह से आपका x1 + x2, तो x1 कितना है -2, x2 कितना है -8, तो -2 और -8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा -10 / 2 / फिर y1 + y2, y1 कितना है 10, y2 कितना है तो ये है 14, 14 + 10 कितना हो जाएगा 24/2। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12। तो -5, 12 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप समझ गए होंगे 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 64 में देखिए, कर यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों के निर्देशांक इतना है तो वृत्त के केंद्र का मान क्या होगा। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है और ये आपका व्यास है, ठीक है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होता है। एक वैल्यू दिया गया है 6, -8 और दूसरा वैल्यू दिया गया है -6, 8। अब इससे केंद्र पूछा जा रहा है। अब देखिए केंद्र क्या है, इसका मध्य बिंदु है, इस व्यास का क्या है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का सूत्र हम अभी जस्ट बताए हैं x1 + x2 / 2 / y1 + y2 / 2। इस हिसाब से ये हो जाएगा x1 + x2, तो 6 और -6 को जोड़िएगा तो 0/2। फिर y1 + y2 कितना हो गया -8 और y2 कितना हो गया +8, जो जोड़िएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 में भाग देने पर 2 से 0 ही होगा, तो 0, 0 जो होगा ये वृत्त के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपको मध्य बिंदु सूत्र से ही बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में कहा जा रहा है कि ए का निर्देशांक 3.4 है, बी है P.1, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वह मूल बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। तो P का मान आपको बताना है जी क्या होगा। तो मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी निकाल लेंगे, मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपका P का वैल्यू आ जाएगा। तो मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है 0.0, 0.0। तो इसका यदि हम निकालते हैं दूरी तो x2 - x1, तो 3 - 0 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस y2 - y1, तो 4 - 0 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से आपका हो जाएगा √25, तो ये दूरी हो गया कितना 5। लेकिन यदि b की अगर दूरी निकालते हैं तो √ क्या हो जाएगा y2 - y1, तो ये √y2 - y1, तो P - 0, तो P का ही रह जाएगा तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - 0 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इस तरह से √P² + 1 बराबर आपका हो जाएगा 5 बोलिए या √25 बोलिए, तो √25 हम लिख लेते हैं, √25 ऐसे रूट से रूट क्या हो जाएगा कट गया, तो P² की वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 25, और प्लस में 1 है वह चल जाएगा माइनस में, तो P बराबर हो जाएगा आपका √25 में से 1 गया 24। अब 24 को यदि आप बाहर निकालेगा वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका P का मान हो जाएगा रूट जो है स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस माइनस अपने साथ ले जाएगा, तो √ + √ जो है आपका 2√6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा D। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर D जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो 0 है ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1, फिर ये आपका हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2, ये आपका हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा आपका y3।
अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला का मान बैठा देंगे तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस पर आप वैल्यू डाल करके और ख़ुद बनाइएगा और इसका आंसर क्या आता है ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस फॉर्मूला को याद भी रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67 कहता है कि ए इतना है, बी इतना है को मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु वाई का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। तो हालांकि एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक जो होता है, विभाजन सूत्र आप पढ़े होंगे कि विभाजन सूत्र में क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 और होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। हालांकि हमसे सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है y का निर्देशांक, इसलिए हम सिर्फ इसका फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सिर्फ इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं जिसे m1 m2 ये आपका 3 और 2 दिया हुआ है और ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो केवल ये y का निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो सिर्फ इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, y का m1 y2, m1 कितना है 3 गुने y2 कितना है 7 प्लस m2 2 है गुने y1 कितना है -3 बटा में m1 प्लस m2 तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो आपका शायद ऐसा ही ऑप्शन दे दिया इतना ही पर, 3 × 7 और 2 × -3/3 + 2 ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68 में कहता है कि त्रिभुज 68 में कहता है कि त्रिभुज ABC एक आपका त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको A और C का वैल्यू दे दिया गया है। A और C को जोड़ करके दिया गया है क्या डिग्री, 120 डिग्री। अब जब A और C को जोड़ कर 120 डिग्री दिया गया है तो कोण B का वैल्यू कितना होगा, तो बहुत आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें दो कोणों का योग दे दिया आपको 120 तो तीसरा कोण हो जाएगा क्या डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा 68 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69 में है कि त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF, ABC DEF। इसमें कहा जा रहा है कि AB बटा में DE, ये AB ये भुजा बटा में DE बराबर है BC बटा में FD, BC बटा में FD। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कोण बराबर होने पर ये समरूप हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों भुजाओं द्वारा बनने वाला कोण इसमें कौन हो जाएगा, बी कोण, और इसमें दोनों भुजाओं द्वारा बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, डी कोण। तो बी और डी जो है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, मतलब कि कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए। तो कोण बी बराबर डी ऑप्शन नंबर डी है जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका SAS समरूपता के नियम से हो गया, साइड एंगल साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70। तो इसमें देखते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज समरूप है और इसके भुजा का अनुपात दे दिया गया है 1/5 और आपसे इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, अब इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा यह इसके वर्ग के बराबर होगा जाएगा, मतलब 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो 1/25 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 70 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 71 की ओर। 71 में आपको कहा जा रहा है कि tan 90 - a की वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 - a की वैल्यू क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। ये लगातार प्रश्न आपके सामने आते रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72
प्रश्न संख्या 72 में कहा जा रहा है कि डी ई समानांतर क्या है, बी सी है, साथ में आपको ए डी दे दिया गया है 5, ये दे दिया गया है 5, और बी डी दिया गया है 6, ये दिया गया है 6, इधर ए ई दे दिया गया है 8, और आपसे पूछा जा रहा है कि ई सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से आप जानते होंगे, थेल्स प्रमेय देता है कि अगर ये और ये अगर समांतर है तो ये दोनों भुजाओं सेम अनुपात में विभाजित होती है, मतलब जितना ए डी बटा में बी डी होगा उतना ही ए ई बटा में ई सी होगा, मतलब जितना 5/6 होगा बराबर 8/ में, इसको मान लेते हैं एक्स यदि, तो एक्स होगा। अब इसको आप तिरछा गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×48/5, 48/5 है, इसको भाग दे दीजिए तो 9 से लगेगा, तो 9.9 कितना आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था, थेल्स प्रमेय की है ये, किसने कहा था, वैज्ञानिक थेल्स ने कहा था। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण स्क्वायर बराबर हर स्क्वायर प्लस लॉम्ब स्क्वायर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 में आपसे कहा जा रहा है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बाह्य बिंदु है, ठीक ना, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो, और वो दोनों कैसा होगा, समान होगा, जितना ए पी होगा उतना ही बी पी, यदि ए पी 5 होगा तो बी पी भी 5 होगा। यदि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से बोले तो एक भी हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कैगो होगा तो एगो होगा, लेकिन यदि आपको कहेगा जो वृत्त पर कैगो स्पर्श रेखा खींच जा सकता है, केवल वृत्त पर, तो अनंत हो जाएगा, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर तो एगो हो जाएगा, वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से एक भी नहीं, और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है आपको दिया गया है 74 का। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। तो यहाँ पर एक आकृति आपको दिया गया है, इस आकृति में देखते हैं कि चलिए तो देखते हैं, इसमें दिया गया है आपका आकृति, कहता है कि दी गई आकृति में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ है 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ए पी ओ दिया गया है 40 डिग्री, ए पी ओ मतलब कि ये एंगल जो आपका आता है ये कितना दिया गया है 40 डिग्री, तो ये 40 है, इसका मतलब पूरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और जब पूरा 80 हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आई, यदि आप देखिएगा ये जो चतुर्भुज का निर्माण होता है, यहाँ पर एक बात आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इससे दोनों जगह जब 90 बनेगा, और चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 होता है, तो ये 90 और 90, ये तो 180 हो गया। अब ये अगर 80 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है ओ ए बी, क्या पूछा जा रहा है ओ ए बी, आपसे ये ओ ए बी पूछा जा रहा है, तो इसको हम फिर से देखते हैं हिसाब से, तो देखिए कौन आपसे पूछा जा रहा है, ओ ए बी, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये ओ कितना आ गया था आपका 100 डिग्री आ गया था, देखिए जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा ओ बी होगा, क्योंकि ये ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी दोनों ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो ये और ये बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये अब इस तरह से हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज, और सम द्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जो ये ए पर जो बनेगा कोण वो और बी पर बनेगा दोनों बराबर होगा, तो जब एक कोण है 100 डिग्री तो अन्य दो कोणों का त्रिभुज का योग कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री में ये दोनों बराबर बांट लेगा तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, तो आपका 40 40 ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इस तरह से था आपका, इस तरह से, और ये ओ है, और ये आपका ए है, और ये आपका बी है, ये हिस्सा हमें आपको बाहर निकाल दिया है, इस तरह से ऐसे था,
इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये पूरा आपका 100 है, ये दोनों मिला कर हो जाएगा 80, तो दोनों 80 हो जाएगा, दोनों चूँकि इक्वल है इसलिए 40-40 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 40। तो ये था 75 नंबर क्वेश्चन। तो आज हम अभी 51 से 75 तक बता दिए, अगले वीडियो में आपका 76 से लेकर 100 तक हो जाएगा। तो आपका जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पूरे हो जाएंगे, फिर आपको जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, आपके एग्ज़ाम में जो है ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो अपने दोस्तों के भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।